Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCOM Semester 6 Financial Accounting MCQs, which we have already started, and this is the MCQ series lecture number 3. So इसमें हम और काफ़ी नए नए एम सी क्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स को अपलोड किया है. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से चेक करें. और इस पूरे PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के MCQs की बात करें तो उस पर काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं. LLP, लिक्विडेशन, FEF, तो हमने नए नए MCQs को काफ़ी अच्छे लेवल पे डिस्कस किया है. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ. तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, जो हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है इन अमालगमेशन चैप्टर, जिसको पहले हम अदर करंट असेट्स में लिखते थे, बट नए नोटिफिकेशंस के बेसिस पे अभी हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में लेस करते हैं. सो फिलहाल अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है आपका, वो रिक्वायर्ड होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑप्शंस आर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टैट्यूटरी रिजर्व, बिकॉज अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है. फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ऐसे काफ़ी सारे रिजर्व्स इसमें कवर अप हो जाएंगे. तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, फॉर अकाउंटिंग मर्जर्स द मेथड फॉलोड इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इक्विटी मेथड, परचेज मेथड, नन ऑफ द अबाव. सो अकाउंटिंग मर्जर के केस में हमें याद रखना है जो मेथड फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे वी आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ परचेज मेथड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ रोहन लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय सोहन लिमिटेड. तो यहाँ पे रोहन लिमिटेड एक कंपनी है और वो सोहन लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, मतलब रोहन एंड सोहन ऐसे दो कंपनी है. रोहन लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय सोहन, तो रोहन का बिजनेस सोहन टेकन ओवर कर रहा है, तो सोहन विल बी द न्यू कंपनी, रोहन विल बी द ओल्ड कंपनी. तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, अगर आपके क्वेश्चन में एक ओल्ड और एक न्यू रहेगा तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन. That is called as absorption, that can be also called as acquisition, or it can be also called as purchase. तो इसका सही answer है absorption. अगर दो company साथ में मिलकर एक नया company form होगा तो that is called as merger. Next question देखते हैं, monetary items are the assets and liabilities. Options are to be received or paid in money, to be received in fixed or determinable amount of money, to be received or paid in fixed amount and none of the above. तो काफ़ी important है, this is from the chapter of FEF. तो इसका सही answer है to be received or paid in fixed amount. तो monetary जो items होंगे, monetary is related with money, तो जो भी items होंगे जो fixed amount में आपको मिलेंगे या fixed amount में आप सामने वाले को पे करोगे. अगर एक्सपोर्ट रहेगा तो हमको पैसा मिलेगा, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टू बी रिसीव्ड. और अगर इम्पोर्ट रहेगा तो हम उनको कैश पे करेंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पेड. तो ये फिक्स अमाउंट में जो भी रिसीव्ड है पेड होगा वही आपका मॉनेटरी आइटम्स बनेगा. नेक्स्ट इज, अ कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय NCLT. तो हमने लास्ट जो MCQs का सीरीज था उसमें मैंने आपको NCLT का मतलब बताया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है कंपनीज के लिए. सो कंपनीज कैन बी वाउंड अप बाय NCLT व्हेन स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास, द कंपनी एक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट. सो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तब कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है, या कई नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कंपनी ने काम किया है. अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर, या ऑल ऑफ द अबव. अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. तो कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन ऑल ऑफ द अबव केसेस. नेक्स्ट पॉइंट, When some of the shares are underwritten, it is called as.
काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही सभी लोग इसमें एरर कमिट करेंगे, सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। देखो, व्हेन सम ऑफ द शेयर्स आर अंडर रिटर्न इट इज कॉल्ड एज फुल अंडर राइटिंग। देखो, सम ऑफ द शेयर्स बोल रहा है तो फुल अंडर राइटिंग तो इसका सही आंसर हो ही नहीं सकता। फर्म अंडर राइटिंग, पार्शल अंडर राइटिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स फर्म अंडर राइटिंग को मार्क करेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बोला है व्हेन सम ऑफ द शेयर्स आर अंडर रिटर्न, तो इसका सही आंसर है पार्शल अंडर राइटिंग। सो जब सारे के सारे शेयर्स अंडर रिटर्न नहीं होंगे, सम ऑफ द शेयर्स आर अंडर रिटर्न, दैट इज कॉल्ड पार्शियल अंडर राइटिंग। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP इज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन आर 20, 50, 100 एंड नो लिमिट। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज नो लिमिट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज नो लिमिट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स के जैसे होते हैं। तो डेजिग्नेटेड और पार्टनर्स को DPIN का जो नंबर होता है, डायरेक्ट डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ROC दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो इसका सही आंसर बनेगा DPIN जो है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उनको लेना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ LLP आर टू बी प्रिजर्व फॉर, कितने साल तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रिजर्व रखना है? 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स? तो इसका सही आंसर है 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स तक कोई भी LLP अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ वहाँ नहीं दे सकता, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्क्रैप नहीं कर सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको उनके साथ लास्ट 8 ईयर्स का रिकॉर्ड रखना कंपल्सरी बन जाएगा। नेक्स्ट इज अभी कुछ ट्रू और फॉल्स देखेंगे। स्टॉक इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, तो स्टॉक आपका नॉन मॉनिटरी आइटम है, ट्रू या फॉल्स? तो सही आंसर इसका बन जाएगा स्टॉक नॉन मॉनिटरी आइटम ही है, बिकॉज स्टॉक हम लोग अपने वेयरहाउसेस में स्टोर करके रखेंगे, जब उसको बेचेंगे तब वो मॉनिटरी आइटम बन जाएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन फॉर दिस ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। नेक्स्ट इज दो ट्रू और फॉल्स एक साथ पढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरीज आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एंड नेक्स्ट इज डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। तो वेजेस एंड सैलरीज आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, और डिबेंचर इंटरेस्ट जो है, जब तक हम लोग पेमेंट करेंगे, तो जिस दिन हमारा कंपनी वाउंड अप हो जाएगा उस दिन तक हमको पेमेंट करना कंपलसरी है। तो दोनों के आंसर है ट्रू। तो वेजेस एंड सैलरीज आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बनेंगे, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को जब भी कंपनी सेटलमेंट करेगा, लिक्विडेशन हो जाएगा, तो जितना भी लेट हम पेमेंट करेंगे उतने मंथ्स का भी हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो अंडर राइटिंग करना कंपलसरी नहीं है, अंडर राइटिंग आप अपने बेसिस पे कर रहे हो। आपको अगर डर लग रहा है कि आपके शेयर्स मार्केट में सब्सक्राइब नहीं होंगे, जैसे सेबी का रूल है 90% ऑफ द शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब, तो उतना अगर नहीं होता होगा तो हम किसी अंडर राइटर्स की हेल्प लेंगे। तो दैट इज वाई अंडर राइटिंग इज नॉट अ मैंडेटरी पॉइंट। तो अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, ऐसा यहाँ बोला है, फॉर ऑल कंपनीज एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट। सो इंडियन कंपनीज एक्ट के बेसिस पे अंडर राइटिंग मैंडेटरी नहीं है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा फॉल्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लाइक डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अभी मैंने आपको बताया था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे वो हर LLP को अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इसका सही आंसर बन जाएगा ट्रू। तो 13 नंबर का आंसर है हमारा फॉल्स, 14 नंबर का आंसर है हमारा ट्रू। तो यही थे आज के कुछ MCQs लेक्चर नंबर 3 में। MCQs आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको अभी तक देखने के बाद वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलना, बिकॉज वैसे ही जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा। और इस पूरे वीडियो का मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, चैनल को ज्वाइन कर ले, लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, एंड डोंट मिस एनी ऑफ द PDFs, ऑडियोज एंड लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।